Hello everyone. Welcome to Baiju's Exam Prep. So, guys, this video is going to be very, very important for your CSIR NET June 2024. Why? Because in this video, I'm going to discuss 10 mistakes which usually a student makes while managing their syllabus. जब तक हमें अपनी मिस्टेक्स नहीं पता होती हैं, हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या वो गलतियां कर बैठते हो अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने के दौरान तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले गाइज आप सभी लोग जो भी इस सेशन को देख रहे हैं अगर आप नए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो सेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड एक बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या वो दस मिस्टेक्स होते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर बैठते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्ट ही करते हैं बिना किसी स्ट्रेटजी के यूजली जब हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास सिलेबस हो जाता है ठीक है हम सिलेबस लेके खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे पास सिलेबस हो गया हमारे पास बुक्स हो गए हैं और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए कि भाई कितने दिनों में हमें कोई प्रॉपर यूनिट कवर कर लेनी है राइट एक यूनिट को महीनों भर पढ़ते लग, पढ़ने लग जा रहे हैं राइट दो एक महीने खत्म हो रहे हैं पता चल रहा है कि अभी तो सर दो ही यूनिट खत्म हुए तो सबसे पहले आपको अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है उस स्ट्रेटजी में आपको एक फीस बनाना है कि भाई एक दिन में कितने टॉपिक कवर करने हैं, कितने पीवाई क्यूज़ करने हैं। अगर आपने बिना किसी स्ट्रेटेजी के अपनी तैयारी शुरू की है दैट कुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक इफ यू आर गोइंग टू अपियर जो एक दूसरी गलती हम कर बैठते हैं यूजुअली गाइस गेटिंग लेट इन प्रिपरेशन एंड नो टाइम फॉर रिवीजन कई बार हम क्या करते हैं अगर सपोज आपने दिसंबर का एग्जाम दिया है तो आप वेट करोगे रिजल्ट निकलने का कि भाई पहले रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम फिर अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए बट अगर आपने एग्जाम दिया है तो रियलिटी ट्रुथ आपको पता है कि भाई एग्जाम में हमसे ये गलतियां हुई हैं और हमें लग जाना है अभी से अगर हमें अपना अगला एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आप वेट करते हो कि नोटिफिकेशन निकल आएगा उसके बाद से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे और जब तक नोटिफिकेशन निकलता है एग्जाम बहुत जल्दी आ जाता है आपको टाइम ही नहीं मिलता है अपना सिलेबस तक कंप्लीट करने का सिलेबस कंप्लीट करने के जस्ट बाद आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा और एग्जाम आ जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम बहुत अर्ली से हमें अगर सी का सिलेबस कवर करना है बहुत वास्ट है आपको सिलेबस भी कवर करना है रिविजन भी करना है मॉक टेस्ट भी करना है और ये सब आप तभी कर पाओगे अगर आप एक पे अपनी स्टार्ट करते हो तो uh, guys, according to me, आपको पहले पहले से अपनी कर कर देनी चाहिए अगर अगर आप as a fresher start कर रहे हो अगर आपने पहले exam दिया हुआ है तो डेफिनेटली थ्री टू फोर मंथ एनफीजन और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए next mistake जो स्टूडेंट्स करते हैं डोंट वेस्ट टाइम जंप और इसका मतलब यह है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये एक टॉपिक है और हमें जब तक समझ में नहीं आएगा हम तब तक इसको पढ़ते ही रहेंगे कई बार बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आती है कई बार सिग्नलिंग में आपको प्रॉब्लम आती है कई बार जेनेटिक्स की डिग्री एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम आती है लेकिन फिर भी आप क्या करोगे आप एकदम लगे रहोगे नहीं इनसे क्वेश्चन तो आते ही एग्जाम में हमें जब तक नहीं समझ में आएगा हम लगे रहेंगे है ना आप एक हफ्ते दो महीने दे देते हो भाई किसी एक ऐसे टॉपिक को जो आपको नहीं समझ में आता है तो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए बहुत सारे अलग से टॉपिक भी हैं जिनको करके आप मार्क्स उठा सकते हैं तो कोशिश करो कि अपना टाइम वेस्ट मत करो फटाफट आप अगले टॉपिक पे जम करिए जो आपको समझ में आ रहा है पहले आप उनको फटाफट कवर कर लीजिए नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ मिस्टेक होता है वो है नॉट टेकिंग ब्रेक अब कई बार ये होता है ना कि हम जब पढ़ने बैठते हैं डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि हमें बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है पढ़ने में और हम लगातार पढ़ते रहते हैं बिना अपने हेल्थ की केयर किए हुए और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि हम एक दिन पढ़ लेंगे दो दिन पढ़ लेंगे लेकिन तीसरे दिन ना हमारा ब्रेन हैंग हो जाएगा हम बुक की तरफ देखना नहीं चाहेंगे फिर क्या होगा अल्टीमेटली वो हमारा टाइम वेस्ट ही है तो इसीलिए आप जब भी पढ़िए अपने टाइम को स्लॉट वाइज बनाइए आप दो दो घंटे का अपना स्लॉट बना

ब्रेक लेना ही लेना है फिफ्थ मिस्टेक हो जाती है कि हम मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं राइट right? हार्डली एक या दो मॉक टेस्ट कर लेंगे और हम सोचेंगे चलो है, टेस्ट कर तो दिया हमने। लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट सोल्व करते हो तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाता है जिस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आता है ना वैसा ही मॉक टेस्ट सेट किया जाता है उसी पैटर्न पे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम टाइम ड्यूरेशन सो आपको जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसी फीलिंग आएगी और जितने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आते हैं आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ पाएंगे तो कोशिश करो कि लगभग दस मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आप सॉल्व करके जाओ ही जाओ अपने एग्जाम में अच्छा मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है इट्स नॉट लाइक कि आप लेटे हुए हो और स्क्रॉल कर रहे हो और मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो ऐसा नहीं जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है आप उस टाइम को सेट करिए अपने मॉक टेस्ट के लिए। जैसे एग्जाम में तीन घंटे आप बिना किसी से बात किए अपना पेपर करते हैं वैसे ही मॉक एक जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं इट्स नॉट लाइक रिजल्ट देख लिया आपने एनालिसिस कर लिया कि चलो मेरे इतने गलत हो गए और इतने सही हो गए तो जो गलत हुए हैं ना उनको आप वापस से रिवाइज कीजिए उन टॉपिक्स को आप वापस से पढ़िए अगला मिस्टेक जो हम कर बैठते हैं यूजुअली है? है? को, को पढ़ने में लग जाते हैं कई है बार, हम बार हमें डिप्रेशन भी हो जाता है कि भाई हमारा टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए प्रायोरिटी बनानी चाहिए जिन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट आप टेन टू इलेवन टॉपिक्स है जो आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करके जाइए अगर आप 10 से 11 यूनिट में कॉन्फिडेंट है ना तो दो यूनिट आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले कोशिश करिए आप प्रायोरिटी वाइज अपने टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जो टॉपिक्स आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है उनको पहले बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए नेक्स्ट जो आपकी मिस्टेक हो जाती है गाइज बींग ओवर कॉन्फिडेंट कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं एक टॉपिक पढ़ लिया और हम खुश हो गए कि भाई हो गया मेरे से ये क्वेश्चन ये टॉपिक हो गई रेडी लेकिन गाइस मांगता है है हर साल एग्जाम के के पैटर्न चेंज हो जाते हैं ट्रेंड बदल जाता कभी किसी टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है स्मूथली अपनी प्रिपरेशन करते रहने हैं जब तक कि आपकी मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए नॉट एस्किंग फॉर हेल्प वेन नीडेड कई बार हम बिना किसी के हेल्प के है ना सोलो मिशन में निकल जाते हैं कि अकेले ही करेंगे एकदम जो भी होगा जितना भी होगा खुद से ही पढ़ेंगे किसी की हेल्प नहीं लेंगे अल्टीमेटली वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करता है अगर आपके पास सोर्सेस हैं वीडियोस हैं मेंटर्स हैं गाइडेंस है तो आप उनको लीजिए और फटाफट अपने टॉपिक को कवर अप करते रहिए नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेट द राइट कभी कभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हम ये जानते ही नहीं है कि भाई इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपको जो टॉपिक्स की डेप्थ है वो आपको पहचाननी होगी कि किस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है नेक्स्ट डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एज आई टोल्ड यू कि आप बिना एग्जाम पैटर्न जाने ही अपनी तैयारी करने लग जाते हो कि लाइक बी सेक्शन में आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पीवाई क्यूज को एनालाइज कीजिए बैठ के आप पांच साल के पीवाई क्यूज को देखिए कि, कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए अपने डेज को डिवाइड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए आई होप दिस वीडियो हेल्प यू